प्रदेश के रामपुर में कोरोना ने अपना आतंक फैलाया हुआ है। रामपुर में बढ़ते केसों को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकस हो चुका है। आपको बता दें कि रामपुर में 8 कोरोना पॉजिटिव केस और मिले हैं। अब रामपुर में कुल 10 कोरोना पॉजिटिव केस हो गए हैं, जिसके चलते रामपुर को सील कर दिया गया है। यहां आपको बताते चले कि इससे पहले रामपुर में जमात से जुड़े 4 कोरोना पॉजिटिव मामले आए थे। मिले गए 8 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 6 अमरोहा निवासी हैं, 1 बिहार निवासी है, 1 शहर रामपुर का निवासी है। 4 जमातियों जिनकी रिपोर्ट टेस्टिंग में 2 मामले नेगेटिव पाए गए हैं। अभी शेष 2 मामलों में एक बार फिर पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इस तरह रामपुर में अब 10 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। रामपुर के लगभग 250 से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग की जा चुकी है और संदिग्ध लोगों को चिन्हित कर सैंपल भेजने की प्रक्रिया जारी है। वहीं इस मामले में रामपुर पुलिस ने अगापुर इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया है। रामपुर से संवाददाता रवि सैनी की रिपोर्ट। जनपद में आज कुछ नए केसेस आए हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि कुल मिला के अभी तक रामपुर में 6 लोग पॉजिटिव थे कल तक, और उनमें से 2 का रिपीट सैंपल भेजा गया था कुछ समय पहले तो उनके नेगेटिव आए थे। दोबारा भी उनका सैंपल भेजा गया तो वो नेगेटिव आए हैं। शेष जो बचे 4, उनमें उनका भी सैंपल रिपीट सैंपल भेजने पे उसमें से 2 नेगेटिव आए। इस हिसाब से अगर देखें तो पिछले जो 6 पॉजिटिव आए थे उनमें से अब केवल 2 ही पॉजिटिव रह गए हैं, और उनको ज़रूरी जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से कार्रवाई करने के पश्चात आगे का स्टेप्स हम लेंगे। लेकिन इस बीच में हमने कई सारे लोगों की सैंपल भेजे थे, जिनमें से टांडा में अमरोहा से आए कुछ लोग थे जिनको हमने क्वारंटाइन कंडीशन में डाला हुआ था, उनमें से 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। और जिला अस्पताल में इस बीच में एक व्यक्ति जो आया था उसका सैंपल और वहाँ के एक सफाई कर्मी का सैंपल भेजा गया था, ये दोनों भी पॉजिटिव आए हैं। तो इस तरह से कुल मिला के आज 8 नए केसेस आए हैं और पिछले 2 कुल मिला के 10 केस अभी तक पॉजिटिव हैं। तो जनपद में इस हिसाब से जो छः पॉजिटिव केस जो नए आए हैं उनमें से जो 6 के 6 टांडा में ही क्वारंटाइन किए गए थे, जहां पे पहले 5 केसेस मिले थे। इस हिसाब से हॉटस्पॉट जो टांडा वो बना हुआ है। और जो एक व्यक्ति जो नया केस आया है वो बिहार का रहने वाला है और वह यहाँ के आगापुर क्षेत्र में रहता है। आगापुर और उससे सटे हुए मंसूरपुर और अजीतपुर को हमने अभी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया और वहाँ पे सैनिटाइजेशन का सारा काम चल रहा है। टाटा में ये काम पहले से ही चल रहा है। जो भी ज़रूरी कदम है वो उठा रहे हैं हम, एहतियातन जो भी कदम है हम उठा रहे हैं। हालांकि ये लोगों को सबक देने के लिए भी है और लोग इससे सीखें भी कि लॉकडाउन का बहुत स्ट्रिक्टली पालन करें, कोशिश करें कि किसी भी दशा में ज़रूरतों को समेटें और बिना ज़रूरत बाहर न निकलें। और इसमें से किसी को घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने नए पॉजिटिव केसेज आए हैं सारे लोग चिन्हित लोगों में से एक थे, इसलिए अभी ऐसा कोई नहीं है कि जो कोई हमारी नज़र से बाहर हो और उसका पॉजिटिव आया हो। बस इतना ही रिक्वेस्ट सबसे करेंगे कि आप लोग घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और कोशिश ये करिए कि जितने उपाय आपको बताए गए हैं वो आप करते रहें, हाथ धोते रहें और जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसका स्ट्रिक्टली पालन करें, ताकि हम इस बीमारी से लड़ने में हमें मदद मिल सके। और ये एडमिट हुए थे अस्पताल में 15 तारीख में, इनके सैंपल गए हैं तो कुछ उनका एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव ऐसा आया है। और ये आगापुर में ही रहते थे, किराए के मकान में होम डिलीवरी घरों पर करते थे। तो जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब के आदेशानुसार पूरे क्षेत्र को सील किया जा रहा है, हॉटस्पॉट बनाया जाएगा। इसलिए नगर पालिका की टीम भी आ गई है, सभी लोग आ गए हैं। इसको बिल्कुल लॉकडाउन बिल्कुल पूर्ण रूप से किया जा रहा है, ना कोई अंदर जाएगा ना कोई बाहर निकलेगा, बिल्कुल सील। कौन कौन से एरिया को सील किया जा रहा है? ये पूरा क्षेत्र है आपका, आगापुर है, ज्वाला नगर है और अजीतपुर, ये तीनों क्षेत्र हैं। ये तीनों क्षेत्र जो है आदेशानुसार उच्च अधिकारी को सील किया। कितने लोग यहाँ पाए गए हैं जो संक्रमित पाए? यहाँ अभी तो क्या है सर, पूरी जानकारी बता दीजिए। हाँ, आधी रात में कल रिपोर्ट आई है जिसमें रामपुर में 8 नए पॉजिटिव केस पाए गए हैं। इसमें 6 केसेस टांडा में क्वारंटीन में थे, ये अमरोहा के रहने वाले हैं, और जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब इनको पकड़ा गया था, इनको क्वारंटीन करा दिया गया था। उनकी जांच रिपोर्ट में पॉजिटिव आए 6 लोग थे, तो टोटल 29, उसमें से 6 पॉजिटिव।
तो सर अब रामपुर में कितने पॉजिटिव केस हो चुके हैं? वर्तमान में रामपुर में 10 पॉजिटिव हैं, 6 पहले पॉजिटिव थे उसमें 4 नेगेटिव हो गए, तो 2 वो और 8 जो नए पॉजिटिव आए, कुल मिला के 10 पॉजिटिव हैं। तो सर जितने भी पॉजिटिव केस हैं अभी आइसोलेशन वार्ड रामपुर में ही रखा जाएगा, इनको बाहर भी भेजा जाएगा? इन सबको अभी अटैच फैसिलिटी में रखा जाएगा, सब एसिम्प्टोमेटिक हैं, किसी में कोई लक्षण नहीं है बीमारी के, इनको अटैच फैसिलिटी में रखा जाएगा। सर क्या रामपुर के भी कुछ इलाके हॉटस्पॉट किए जाएंगे, सील किए जाएंगे? देखिए टांडा से तो पहले से ही है, अब देखते हैं आगापुर में सर्वेलेंस करा के अगर वहाँ जरूरत पड़ेगी तो हॉटस्पॉट बनेगा। ठीक सर, धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.